दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जरूरी मैसेज मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि 21 नवंबर को नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने MHRD के इनोवेशन सेल के तहत इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल कार्यक्रम शुरू किया गया, स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि IIC यानी इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के नेटवर्क के गठन का उद्देश्य युवा छात्रों के लिए नए विचारों का प्रदर्शन कर रहे उन्हें प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना और पोषित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि जो युवा छात्र हैं उनके नए विचारों का प्रदर्शन कर उन्हें प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। ठीक है, और ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसमें AICTE में इनोवेशन सेल की स्थापना की गई है। ठीक है, तो याद रखना है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल कार्यक्रम किसने लॉन्च किया नई दिल्ली में, किस मंत्रालय ने? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड है, किस राज्य ने भूधार पोर्टल लॉन्च किया जो विशिष्ट पहचान संख्या वाले लोगों की भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने, आंध्र ने। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश ने भूधार पोर्टल लॉन्च किया जो विशिष्ट पहचान संख्या वाले लोगों की भूमि अभिलेख उपलब्ध कराता है। देखिए आपको बता दें भूधार राज्य प्रत्येक कृषि भूमि अधिग्रहण और ग्रामीण और शहरी संपत्तियों को सौंपा गया है। 11 अंकों का विशिष्ट पहचान कोड है ये। ठीक है, और ई भूधार और एम भूधार सहित दो प्रकार के भूधार कार्ड उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन थर्ड है दोस्तों, नवंबर 2018 को गठित राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत में विदेश में गुरु नानक की 550वीं जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और वित्त मंत्री अरुण जेटली, संस्कृत राज्य मंत्री NIC के सदस्य हैं। ठीक है, NIC यानी राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति। ठीक है, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को। क्वेश्चन फोर्थ है दोस्तों, यूपी के किस जिले में दुनिया भर में मशहूर अपने हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता टैग मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भदोही। ठीक है, यूपी का जो भदोही डिस्ट्रिक्ट है भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता टैग मिला है इसको, और ये दुनिया भर में अपने हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इस टैग के तहत आपको बता दें कालीन निर्माताओं को आधुनिक मशीनों को खरीद, निर्यात, बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता भी मिलेगी। ठीक है, और वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा यह टैग दिया गया था। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय के तहत ये विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा यह टैग दिया गया था। तो यूपी का भदोही डिस्ट्रिक्ट दुनिया भर में मशहूर अपने हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता टैग मिला है। ठीक है, तो ये आपका याद रखना ऑप्शन सी, भदोही। क्वेश्चन फिफ्थ दोस्तों, निर्मला सीतारमन ने नवंबर 2018 को किस राज्य में वार्षिक संगाई पर्यटन समारोह का उद्घाटन किया है? मणिपुर, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, मणिपुर में। ठीक है, रक्षा मंत्री जो है निर्मला सीतारमन, इन्होंने 21 नवंबर 2018 को मणिपुर के वार्षिक संगाई पर्यटन समारोह का उद्घाटन किया है। महोत्सव का जो नाम है दोस्तों ये राज्य पशु संगाई के ऊपर रखा गया है। ठीक है, संगाई मणिपुर का राज्य पशु है जो केवल मणिपुर में पाया जाने वाला ब्रो एंटलर्ड हिरण है। ठीक है, ये महोत्सव शुरू किया गया था 2010 में। क्वेश्चन सिक्स है दोस्तों, हाल ही में किसे मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ द एस्टेक ईगल से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है SP गांगुली, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रोफेसर SP गांगुली को मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ द एस्टेक ईगल से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार मैक्सिको द्वारा किसी भी विदेशी को दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, विदेशी को दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मैक्सिको द्वारा, और यह पुरस्कार स्पेनिश भाषा, मैक्सिकन संस्कृति के अध्ययन में उनसे उत्कृष्ट कार्य की मान्यता में दिया गया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्पेनिश और लैटिन अमेरिकी अध्ययन केंद्र की अध्यक्षता की। तो हाल ही में मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ द एस्टेक ईगल से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर SP गांगुली। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिली बॉबी ब्राउन। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, विदेशी अभिनेत्री मिली बॉबी ब्राउन को नवीनतम संयुक्त राष्ट्र बाल निधि सद्भावना राजदूत नामित किया गया था। वह यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। सद्भावना राजदूत के रूप में अपनी वैश्विक पहुंच का उपयोग
बच्चों के अधिकारों और युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए करेंगी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल निधि सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? मिली बॉबी ब्राउन। ठीक है, ऑप्शन बी। नवंबर 2018 में किस कंपनी ने अभिजीत बोस को भारत के प्रमुख के रूप में नामित किया है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप। देखिए, व्हाट्सएप ने अभिजीत बोस को अपने भारतीय प्रमुख के रूप में नामित किया है। ठीक है, अभिजीत बोस को 2019 की शुरुआत में अभिजीत, आपको बता दें, व्हाट्सएप में शामिल होंगे और कैलिफोर्निया के बाहर व्हाट्सएप की पहली पूर्ण देश का निर्माण करेंगे। ठीक है, पूर्ण देश टीम का निर्माण करेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कंपनी इजी टैप के सह संस्थापक थे। ठीक है, तो व्हाट्सएप ने अभिजीत बोस को अपने भारतीय प्रमुख के रूप में नामित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 9th नंबर का, फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वां संघ विश्व सम्मेलन 2019 में कहाँ, किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किया जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन सी, हैदराबाद। ठीक है, फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वां संघ विश्व सम्मेलन 2019 में हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि आपातकाल समाप्त करना विज्ञान नेतृत्व कार्यवाही सम्मेलन 30 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सम्मेलन का आयोजक क्षय रोग और फेफड़ों के रोगों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा किया जाएगा। फेफड़ों पर स्वास्थ्य पर 50वां संघ विश्व सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10th है, हाल ही में कौन रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो बन गए हैं वसीम जाफर, ऑप्शन डी। ठीक है, अनुभवी क्रिकेटर वसीम जाफर रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जाफर जो विदर्भ के लिए खेलते हैं, आपको बता दें कि इन्होंने बड़ौदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, उन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वे आखिरी बार अप्रैल 2008 में भारत के लिए खेले थे। ठीक है, तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? वसीम जाफर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत UAE सामरिक सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? अबू धाबी में, ऑप्शन बी। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, भारत संयुक्त अरब अमीरात सामरिक सम्मेलन दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा और एक दिवसीय सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश के दायरे को बढ़ाने के लिए संवाद शुरू करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के व्यापार समुदायों के बीच संघर्षों को संबंधों को सुधारना। ठीक है, दोनों देशों के बीच व्यापार समुदाय के संबंधों को सुधारना है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, अबू धाबी। किसे एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2018 मिला है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। ठीक है, देखिए, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया। इसे सीमा पर, आपको बता दें, पर्यावरण अपराधों का मुकाबला करने के लिए इसके काम के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, यह लगातार दूसरी बार है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा यह पुरस्कार भारत को दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2018 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। क्वेश्चन 13 है, किसे स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस SBM इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सिद्धार्थ। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस SBM इंडिया ने सिद्धार्थ को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 14 है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 22 नवंबर 2018 से किस देश की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की है? की है लाओस। ठीक है, ऑप्शन बी। सुषमा स्वराज जी 22 नवंबर 2018 से लाओस की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की इन्होंने और द्विपक्षीय सहयोग पर भारत लाओस संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, लाओस की राजधानी है विंचन और इसकी मुद्रा है लाओ किप। ठीक है, लाओ किप। तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 22 नवंबर 2018 किस देश की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की? लाओस की। किस राज्य के राज्यपाल ने 21 नवंबर 2018 को राज्य विधानसभा को भंग कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आप सबको पता होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, इन्होंने राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया। राज्यपाल ने विधानसभा को तत्काल प्रभाव से भंग करने के लिए 4 मुख्य कारणों का हवाला दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का आंसर, कौन भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया जल श्रीवास्तव को। सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने राज्य में गायों के संरक्षण और कल्याण के लिए गौ सेवा आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, यदि आपने कल का करंट अफेयर्स वीडियोस नहीं देखा तो जस्ट यहाँ पे प्ले होगा, जरूर देख लें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिदिन हमारे वीडियो क्लास होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे वेबसाइट पर। अगर आप इसे लगातार देखना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को बटन दबा दो, लाइक बटन को दबाओ और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी यूज़ करते हो शेयर करो, ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुँच सके।
मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो, जैसे टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म कैसे भरना समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिखो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको संपर्क करके आपकी सहायता ज़रूर 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 करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो भी जीके करंट अफेयर सामान्य ज्ञान ये सब का जो बना रखा है नोट्स वगैरह अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, वेबसाइट पर डाल रखा है, जैसे कि एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है, सबका लिंक वीडियो के नीचे वर्णन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया गया है या ऊपर कोने में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो डेली 2-4 वीडियो हमारे वेबसाइट से देखो, वेबसाइट से पढ़ो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।